हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोडिग्निटर के अंदर मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट्स हम को कैसे हम डाटाबेस में इंसर्ट कराते हैं गाइस। ओके गाइस, तो आइए आज हम समझते हैं कैसे हम डाटाबेस में मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कराते हैं कोडिग्निटर के अंदर। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना एक कंट्रोलर बनाया है, होम कंट्रोलर। ओके गाइस, होम कंट्रोलर के अंदर गाइस मैंने एक मेथड बनाया है, इंडेक्स मेथड, जिसके अंदर मैंने लोड करा रखा है होम डॉट पी एच पी को। ओके गाइज, होम डॉट पी एच पी में क्रिएट करूँगा व्यूज़ में। तो गाइज ये मेरी होम डॉट पी एच पी है। होम डॉट पी एच पी में सिंपल गाइज कुछ नहीं है, एच टी एम एल टेम्पलेट बूट स्ट्रैप की मैंने लाइब्रेरीज लगा रखी है। उसका गाइज मैंने बस एक इनपुट फील्ड दे रखी है गाइज। ओके गाइज, एक इनपुट फील्ड दे रखी है अपलोड इमेज। फिर गाइज इसका टाइप हमने फाइल दे रखा है, क्योंकि गाइस हम मल्टीपल फाइल अपलोड कर रहे हैं, इसलिए मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल हम यहाँ पर देंगे। ओके गाइस, इसका जो मैंने नेम दिया है गाइस, इमेज नेम दिया है, और वो गाइस एक अरे बना दिया है मैंने। अरे इसलिए दिया है गाइस क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड करेंगे इस वजह से। ओके गाइस, इन टाइप में आप मल्टीपल आर्ट फॉर्म डाटा जरूर लिखे, क्योंकि हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं कुछ ना कुछ इसलिए फॉर्म में। और गाइस मेथड पोस्ट हमने दे ही रखा है। बेस यूआरएल गाइस, जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो वो कहाँ पर जा रहा है, होम कंट्रोलर के अंदर मैंने एक न्यू मेथड बनाया है उसके अंदर जा रहा है गाइस। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने सेशन का सेट फ्लैश डाटा सेट कर रखा है। फ्लैश डाटा मेथड को आप अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी प्ले लिस्ट में आप जाकर इसको समझ सकते हैं गाइस। उसके अलावा गाइस यहाँ पर देखेंगे अब आप, तो हम चलते हैं अब हमारे होम कंट्रोलर के अंदर न्यू मेथड में हमने क्या कर रखा है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए गाइस। तो हम आते हैं हमारे होम पे कंट्रोलर पे न्यू मेथड के अंदर, पब्लिक फंक्शन न्यू। तो गाइज यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है गाइज, देखिए मैंने लाइब्रेरी अपलोड करा रखी है अपलोड। ओके गाइज, क्योंकि हम फॉर्म अपलोड कर रहे हैं इसलिए हमने लाइब्रेरी तो लोड करा ली अपलोड। ओके गाइज, अपलोड लाइब्रेरी लोड कराने के बाद गाइज हम क्या करेंगे, हमने कहा गाइज कि जो हमने एक वेरिएबल इमेज के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि वो एक अरे है। ओके गाइज, उसके बाद गाइज मैं क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया है इमेज काउंट, उसके अंदर मैंने क्या किया गाइज, काउंट डॉलर फाइल्स इमेज नेम और नेम। ओके गाइज, डॉलर फाइल्स हमारे अंदर अरे ऑफ आइटम को अपलोड कराने के लिए पोस्ट मेथड होता है गाइज, जो कि हमारे इसमें को मिलता है जब भी हम इमेज अपलोड कराते हैं गाइज। तो गाइज डॉलर फाइल्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, इमेज नेम। तो गाइज हमने जो यहाँ इमेज नेम दे रखा है ये हमने यहाँ पे लिख दिया गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे उसके बाद हम कुछ इमेज का नेम भी हम दे सकते हैं, वो भी देखिए गाइस यहाँ मैंने इसके बाद लगा दिया काउंट। काउंट क्या करता है गाइस, ये क्या करेगा गाइस, आपके कॉल एलिमेंट जो अरे में होंगे उनको काउंट करने के लिए हम काउंट वेरी इसका यूज़ करते हैं। ओके गाइस, इसके जो पास है गाइस हमने फॉर लूप लगाया है गाइस। फॉर लूप इसलिए लगाया है गाइस क्योंकि हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड करेंगे। ओके गाइस, एक बार में हम 1 2 3 4 5 जितने भी इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे अपलोड करने के लिए, तो गाइज उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया है। तो गाइज देखिए, जैसे हमने पहली इमेज सेलेक्ट करेंगे तो गाइज आई इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दी है गाइज कि डॉलर आई लेस देन डॉलर इमेज काउंट को फिर डॉलर आई प्लस प्लस। तो गाइज इमेज काउंट के अंदर क्या है, जो भी हमारे इमेजेस हैं वो हमको पहली इमेज मिल गई, और गाइज उसके अंदर क्या क्या करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ये फॉर लूप देखिए गाइज यहाँ ख़त्म हो रहा है, फिर ये दोबारा जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके गाइज, जो हमारी आई की वैल्यू आई 2, अगर हमने दो इमेज अपलोड कर रही है 2 करी है तो वो 2 लेस देन 2, मतलब जो भी हम जितनी बार भी ये फॉर लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी बार हम इमेज अपलोड चूज़ करेंगे, हमने दो इमेज चूज़ करी तो गाइज ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए इमेज काउंट हमने काउंट कर लेंगे हमारी इमेजेस को, उसके लिए लिखा है। ओके गाइज, और जो हमारे डॉलर आई की वैल्यू हो वो लेस देन ही होनी चाहिए डॉलर इमेज काउंट की वैल्यू से, मतलब कि हमने अगर दो वैल्यू हमने सेलेक्ट करी है तो डॉलर आई की वैल्यू उससे कम ही होनी चाहिए। ओके गाइस, तभी तो वो फॉर लूप चलेगा। उसके बाद गाइस मैंने अभी क्या कर रखा है, डॉलर फाइल्स मैंने आपको बताया ही गाइस, एसोसिएटिव अरे आइटम अपलोड कराने के लिए पोस्ट मेथड होता है गाइस ये। इसके अंदर गाइस देख मैंने क्या करा, पहले लिया फाइल नेम, फिर उसका टाइप, फिर टेम्प्रेरी नेम, फिर एरर और साइज़। ओके गाइज, अब फाइल क्या है हमारी, फाइल है हमारी इमेज नेम, जो हमने यहाँ नाम दे रखा है गाइज ये इमेज नेम।
हम यहाँ पे लिखते हैं डॉलर फाइल इमेज नेम सबका इमेज नेम फाइल का। यहाँ पर जाएगा गाइस नेम टाइप टेम्प एरर एरर साइज ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और गाइस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉलर आई जो हम फॉर लूप चला रहे हैं गाइस 0 से, तो गाइस उसको भी हम यहाँ पे दे देंगे। ओके गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड कराने के अपलोड का पार्ट दे देंगे गाइस। मैंने यहाँ पे अपलोड नाम से फोल्डर बनाया गाइस अपलोड्स, इसके अंदर भी कुछ नहीं है गाइस। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे अलाउड टाइप से रखे हैं कि हमको किस टाइप की फाइल्स इसमें अपलोड करानी है, JPEG फाइल करानी है, PNG, जो भी टाइप आप देना चाहते हैं अलाउड टाइप में दे सकते हैं गाइस। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी इनिशियल लाइब्रेरी को लोड करा लेंगे अपलोड की। ओके उसके बाद हम इनिशियलाइज करा लेंगे कॉन्फिग को गाइस। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, अब गाइस यहाँ पे मैंने अपलोड फाइल करने के लिए क्या कर रखा है, अब इफ डॉलर दिस अपलोड डू अपलोड फाइल गाइस, अगर उसको यहाँ पे फाइल डू अपलोड फाइल हम डू अपलोड हमारा मेथड है अपलोड के अंदर, और इसमें हम क्या दे रखा है, अगर उसको इफ टाइप फाइल मिल जाता है गाइस गाइस हाँ सही है फाइल मिल जाता है गाइस, तो क्या करेंगे हम, डू अपलोड इसमें हम नेम लिखते हैं गाइस रीड्स इंटायर फाइल इन टू एन आर ए। ओके गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड फाइल डाटा करेंगे गाइस, तो क्या करेंगे गाइस डॉलर डिस अपलोड डाटा जो भी हमारा फाइल का डाटा है गाइस वो इसमें अपलोड अपलोड मेथड के अंदर डोटा डाटा पूरा आ चुका है डॉलर इमेज डाटा इसके अंदर, तो गाइस इसके अंदर हमारा पूरा फाइल का डाटा आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे हम गाइस, जो भी हमारा इमेज का डाटा आया है उसको हम किस में इंसर्ट करा लेंगे गाइस अपलोड इमेज डाटा, और हम ये आई वेरिएबल जो हमने आई बनाया है। ओके गाइस ये और इमेज नेम क्या है गाइस, हमारा डाटाबेस में जो हमारा नाम है जिसमें हम डाटाबेस में इंसर्ट करा रहे हैं ना गाइस, तो ये हमने डाटाबेस का नाम यहाँ पे दे दिया ये इमेज नेम, इसके अंदर ही तो हम इंसर्ट कराएंगे इस की के अंदर, तो इसके अंदर हम कैंसिल कराएंगे जो भी नेम हम फाइल का नेम लेके आ रहे हैं हमारी इमेज के डाटा में से। ओके गाइस और यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हमारी आ रही है इस डाटा में। ओके गाइस यहाँ पे हमारा फॉर लूप हम एंड कर देंगे। उसके बाद गाइस अगर हमको ये इसके अंदर पूरा डाटा स्टोर कर रखा है, अगर ये हमको नॉट एम्प्टी नहीं मिलता है तो हमारा इंसर्ट हो जाएगा गाइस इमेज। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने यूज़र मॉडल के अंदर मल्टीपल फंक्शन नाम से फंक्शन बनाया है, और उसके अंदर मैं इसको लेके जा रहा हूँ जो भी हम यहाँ से डाटा लेके आ रहे हैं गाइस उसको हम इंसर्ट करा रहे हैं डाटाबेस में। तो गाइस मल्टीपल मैं आपको डाटाबेस मेरा यूज़र मॉडल दिखा देता हूँ, तो गाइस यूज़र मॉडल में आप आएंगे और आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे मैंने क्वेरी लगाई है तो फंक्शन बनाया मल्टीपल अपलोड इमेज डाटा, या अपलोड इमेज डाटा यहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ, और गाइस यहाँ पे मैंने क्वेरी लगाई है डॉलर दिस DB इंसर्ट बैच, और यूज़र हमारा टेबल का नाम है और ये डाटा मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट बैच यूज़ करेंगे ना कि इंसर्ट यूज़ करेंगे डाटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्ट बैच का यूज़ हम इसलिए करेंगे गाइस क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल्स अपलोड करा रहे हैं गाइस, तो मल्टीपल फाइल्स अपलोड कराते हैं मल्टीपल चीज़ें हम जब भी इंसर्ट कराते हैं डाटाबेस में मल्टीपल चीज़ें इंसर्ट कराने के लिए हम इंसर्ट बैच फंक्शन का यूज़ करते हैं गाइस, तो इसलिए गाइस यहाँ पे हम इंसर्ट बैच का यूज़ करेंगे। ओके गाइस इसके बाद हम आगे चल रहे हैं गाइस, तो उसके बाद मैंने फ्लैश डाटा लगा रखा है फॉर्म सबमिट और टाइम को, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का गाइस मैसेज शो हो जाएगा गाइस, और उसके बाद हम रिडायरेक्ट कर देंगे होम इस पे गाइस जो हमारा व्यू है गाइस। तो गाइस ये तरीका होता है फॉर्म मल्टीपल इमेज अपलोड करने का, और अगर आपको सेट प्लेस डाटा के बारे में नहीं पता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको समझ सकते हैं गाइस। तो गाइस इसके अलावा मैं आपको शो करा देता हूँ कि ये कैसे प्रॉपरली वर्क कर रहा है गाइस, तो हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र में आने के बाद गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं करूँगा चूज़ फाइल्स। ओके गाइस अब मैं मल्टीपल फाइल्स चूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, तो गाइस देखिए तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स चूज़ कर लिए गाइस, इसको मैं ओपन कर लूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ चुका है 3 फाइल्स, अब जैसे मैं गाइस सबमिट करूँगा तो 3 फाइल्स मेरे डाटाबेस में सबमिट हो जाएगी।
गाइस यहाँ पर मैसेज हो चुका है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमारे पीएचपी माय एडमिन में आया गाइस। तो देखिए गाइस, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा हमारे। तो गाइस देखिए, हमारे 3 फाइल्स हमारे यहाँ पे आ चुकी है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस ये तरीका होता है गाइस कि हम कैसे कोऑर्डिनेटर के अंदर मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल फाइल्स, डॉक फाइल्स, पीएनजी फाइल्स, इमेजेस कैसे हम अपलोड करा सकते हैं गाइस कोऑर्डिनेटर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।